हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लौट के आ गया है कोबरा आप सभी के डिमांड पर। हमेशा की तरह वीडियो में गिव अवे अवेलेबल है। अगर आपको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो सिंपली वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद कमेंट बताओ कि वीडियो में क्या कमी है या क्या अच्छा है। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है तो आप जीत सकते हैं 110 डायमंड्स। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। बाप रे बाप, काफी रात हो गई और मुझे घर आने में भी काफी देरी हो गई है। ना जाने कहाँ रह गए वो, मेरी तबीयत। अरे आप आ गए। अरे हाँ भाग्यवान, वो मैं थोड़ा काम में फंस गया था, पर तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हाँ चलिए, वैसे भी काफी तबीयत बिगड़ रही है मेरी और रहा नहीं जा रहा मुझसे। अरे ज्यादा परेशान मत हो भाग्यवान, हम चल तो रहे हॉस्पिटल, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। कोबरा, पापा कहते थे कि जब लाल कोबरा आजाद हो जाएगा तो वो बहुत तबाही मचाएगा। हाँ तबाही तो वो मचाएगा और उसके बिना वो रुक भी नहीं पाएगा, लेकिन उसकी दुश्मनी मुझसे है और मुझ तक पहुँचने के लिए वो कितने ही बेकसूरों को मार गिराएगा। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं कोबरा, उसे रोक लो। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ और उसे रोकना भी जरूरी है, तुम चलो मेरे साथ। अचानक मौसम को क्या हो गया? अरे बाप रे, सामने देखिए, ये क्या है जी? तुम मुझे जानते नहीं पर मुझे तुम्हारा पता है, मुझे बताओ उसका पता जो कोबरा लापता है। अबे ये क्या तमाशा कर रहा है तू, देख नहीं रहा क्या, मैं पुलिस वाला हूँ और ये बेकार ही कस्टम फेल के मेरे सामने नाटक मत कर तू। चल निकल यहाँ से वरना बेटा थाने में डाल दूंगा। अबे तू क्या डालेगा मुझे, मेरा कोबरा खा लेगा तुझे। ये मेरी इंतकाम तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उस कोबरा की सांसें अधूरी नहीं होगी, और जब मरेगा वो कोबरा तब जाके मेरी इंतकाम पूरी होगी। ये सब क्या है वल्दार, इंस्पेक्टर की मौत हो गई, आखिर कौन है इन सब के पीछे, ये सब चल क्या रहा है फिल्म में? कमिश्नर साहब, अगर आप बुरा ना कहें तो हम आपसे एक बात कहें। अरे क्यों नहीं हवलदार, जरूर कहो यार। कमिश्नर साहब, आपको बरमुडा का वो विनाशकारी कोबरा याद है? हमें लगता है इन सब के पीछे वही है कमिश्नर साहब। क्या विनाशकारी कोबरा, क्या मजाक है हवलदार, किस बेसिस पे बोल रहे हो तुम? कमिश्नर साहब, कल रेड फॉरेस्ट में एक वारदात हुई थी जिसमें एक साइंटिस्ट की मौत हो गई। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि वो किसी कोबरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे वही कोबरा है कमिश्नर साहब। क्या, और ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? माफी चाहूंगा कमिश्नर साहब, पर इंस्पेक्टर साहब ने आपको बताने से मना किया था, पर अब जब उन्हीं की मौत हो गई तो मुझे बताना पड़ा। ये क्या कोबरा, हम यहाँ कैसे आ गए, और ये क्या, यहाँ क्या चल रहा है? सच बताऊँ तो हमने यहाँ आने में देरी कर दी जाए, उसने उस गुंडे के अलावा किसी और को भी मार दिया है, पर किसे, ऐसे तो वो नहीं रुकने वाला। नहीं रुकने वाला, क्या मतलब कोबरा? तो फिर अब हम क्या करेंगे कोबरा? हम नहीं, तुम जाके सबसे पहले पता लगाओ कि मौत किसकी हुई है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसकी मौत हुई है तो मैं ये पता लगा लूंगा कि क्यों हुई है। तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी हवलदार, तो अभी इंस्पेक्टर की मौत ही नहीं होती। हम माफी चाहेंगे कमिश्नर साहब, पर दरअसल बात ऐसी है कि इंस्पेक्टर साहब की वाइफ की तबीयत खराब था, इसलिए वो मैटर जल्दी क्लोज करके घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे बताने से मना कर दिया था। अरे ये क्या, तुम कौन हो बच्चे, यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। नमस्ते पुलिस अंकल, आपने पहचाना, मैं वो। हाँ हाँ याद आया, तुम वही लड़के हो ना कमिश्नर साहब, यही है उस साइंटिस्ट का बेटा। अच्छा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारा घर तो रेड फॉरेस्ट में है, इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आए हो? कमिश्नर साहब, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ कि वो लौट आया है। वो, पर कौन बेटा, किसकी बात कर रहे हो तुम? वही कोबरा, और अब वो नहीं रुकने वाला। देखिए कमिश्नर साहब, मैंने कहा था ना इन सबके पीछे कोबरा ही है। अरे तुम चुप करो हवलदार, पर बच्चे तुम्हें कैसे पता कि इन सबके पीछे कोबरा है? क्योंकि कमिश्नर साहब, पापा ने कहा था जब मौत का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो समझ लेना कि कोबरा अपनी इंतकाम की ओर पहला कदम बढ़ाएगा, और वो लौट आया है। देख लीजिए कमिश्नर साहब, अब आपका क्या कहना है, क्या अब भी आप सच्चाई से मुंह फेरेंगे? नहीं हवलदार, अब हम मुंह फेरे या ना फेरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कोबरा को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। क्या, तो फिर अब क्या होगा कमिश्नर साहब? आपने ठीक कहा था कोबरा, इन सब के पीछे वो लाल कोबरा ही है, पर एक बात समझ नहीं आई, मरने वाला कोई और नहीं इंस्पेक्टर साहब थे। क्या कहा, इंस्पेक्टर? पर इंस्पेक्टर का ये सबसे क्या कनेक्शन हो सकता है? एक मिनट, जिस दिन तुम्हारे पापा का डेट हुआ उस दिन क्या इंस्पेक्टर घर पे आया था? इंस्पेक्टर अंकल,
हाँ कोबरा, वो आए थे पर बहुत रात को आए थे और उन्होंने ही पापा की बॉडी को भिजवाया था। क्या कहा रात को? लेकिन तब तक तो कोबरा घर से जा चुका था, मतलब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। एक मिनट, अब समझ आया, इसका मतलब वो आत्मा ले रहा है, वो उन आत्मा से अपने दूसरे कोबरा को जिंदा करेगा। क्या? पर इन सब का क्या मतलब हुआ कोबरा? इसका सीधा मतलब है तबाही। कहते हैं तबाही जब हद से बढ़ जाएगा तब उसे रोकने कोबरा आएगा, पर जब सामने ही कोबरा खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या उसे कोबरा रोक पाएगा? सच्चाई तो ये है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसे ये कोबरा नहीं कर पाएगा, और आखिर में ये कोबरा इतनी तबाही मचाएगा जिसे चाह के भी कोई नहीं रोक पाएगा। तू ज्यादा अहंकार मत कर कोबरा, क्योंकि जो तेरे सामने खड़ा है वो भी है एक कोबरा, और अगर वो सच्चा है तो तुझ पे भारी भी पड़ेगा। तू गलत बोल रहा है, सर्वशक्तिमान मैं हूँ, चार ही कोबरा थे जिनमें सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। तेरा यही अहंकार तुझे ले डूबेगा कोबरा। तो दफा हो जा यहाँ से, तेरी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं सर्वशक्तिशाली कोबरा हूँ, और अब मैं और भी कोबरा लाऊंगा उन आत्माओं से। कोबरा प्रकट हो। जी कहिए कोबरा, क्या आज्ञा है हमारे लिए? साथ चाहिए मुझे तुम्हारा इस विरासत की जंग में, जब हमारे सामने होगा हमारा ही कोबरा भाई। हम हमेशा आपके साथ है कोबरा। तो चलो विनाश का शुरुआत करते हैं। अब आगे का क्या सोचा है कोबरा तुमने? अगर सोचना मेरे हाथ में होता तो सब ठीक होता, पर इस वक्त सोच वो कोबरा रहा है और उसने तबाही का सोचा है। हाँ मुझे पता है कोबरा, क्योंकि पापा कहते थे कि जब भी वो कोबरा आजाद होगा तो सिर्फ तबाही होगा। तुम उसे रोक तो लोगे ना कोबरा? पता नहीं, क्योंकि ये जंग मौत से शुरुआत हुई थी और किसी की मौत पे ही खत्म होगी। हो सकता है उसे रोकते हुए मैं मर भी जाऊं। क्या कहा? पर अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर तो पूरी आस खत्म हो जाएगी ना कोबरा? नहीं, क्योंकि इस जंग के लिए मैंने खुद को चुना है, और अगर इस जंग में मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं मरूंगा, मेरी आत्मा नहीं। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम मेरे आत्मा को खुद में घुसने की अनुमति देना और मैं लौट आऊंगा। हाँ कोबरा, मैं तुम्हारी बातें समझ गया, अब बस तुमसे ही उम्मीद है कोबरा। तुम कुछ भी करके उस शैतान का अंत कर दो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बस इस जंग को जीत जाना कोबरा। इस साला नाइट ड्यूटी हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ना जाने किस कोबरा के चक्कर में साला हमको यहाँ खड़े कर दिए हैं। आन दो साले को, हमको भी कुकू खराटा आता है, पेल देंगे। तो फिर पेलो ना, हम भी तो देखे कितना दम है इन हड्डियों के इंसानों में। अबे ये क्यों, तुम कौन हो बे? साले तुमको जिसके लिए खड़े किए हैं तुम उसी को नहीं पहचानते, ये है विनाशकारी कोबरा। चलो इनका तो ठीक है, पर तुम लोग कौन हो बे? ये है मौत के भूत, जिसे लोग कहते हैं भूत, और आए हैं मेरे साथ तबाही मचाने। अब होगा विनाश जिसमें मरेगा तू और तेरा पूत। अरे तनिक रुक जाओ पाजी, इतनी भी क्या है जल्दबाजी, अभी तो कोबरा ने नहीं खेली अपनी बाजी। ओह तो तू आ गया मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दबाजी है तुझे मरने की? अरे जरूरत नहीं है मेरी परवाह करने की, और गलत बोल रहे तू, मेरी नहीं तेरी बारी है मरने की। ओह तू और तेरा ये कॉन्फिडेंस, लगता है मर के ही मानेगा तू। मौत क्या होता है ये अब जानेगा तू। मुझे मौत दे दे, ये तेरे बस की बात नहीं, और वैसे भी जीत सच्चाई की होती है, बुराई की नहीं। क्यों कोबरा क्यों, आखिर क्यों तुझे इन लोगों की फिक्र है, जिनके जिंदगी में ना तो तेरा जिक्र है और ना तेरा फिक्र है? फिक्र तो तूने भी नहीं किया इन कोबराओं का, जिन्हें तूने यहाँ लाया है, और ये है कोबरा का वार जिससे कोई नहीं बच पाया है। तूने ये क्या कर दिया कोबरा, तू इन लोगों को कैसे मार सकता है? मैंने उन्हें मारा नहीं है, सिर्फ वहाँ पहुँचाया है जहाँ उनकी जरूरत थी, और अब तू भी वहाँ जाएगा जहाँ तेरी मौत है। ये क्या कोबरा, तू ये कहाँ ले आया मुझे, ये कौन सी जगह है? इस जगह के बारे में तुम नहीं जानते कोबरा, बस इतना जान लो कि हर जंग का एक वसूल होता है, वो जहाँ शुरू होता है उसे खत्म भी वहीं होना पड़ता है। होता होगा कोबरा, पर इस बार नहीं होगा, क्योंकि तू तो जानता ही है हम चारों कोबरा में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, सर्वशक्तिमान लाल कोबरा। कोबरा तुम्हारे लिए एक सवाल है मेरे पास, अक्ल बड़ी की भैंस, अब तुम भैंस को बड़ी बताओगे
तो कैसे कोबरा से जंग जीत पाओगे? क्या मतलब है तेरा? तू कहना क्या चाहता है कोबरा? तेरा अहंकार तुझे ले डूबा कोबरा, लगता है तो भूल गया। तेरे पास हजारों वरदान के अलावा एक अभिशाप भी है कि तेरा शुरुआत जहाँ होगा तेरा अंत भी वही होगा, और ये वो जगह है जहाँ साइंटिस्ट ने तुझमें जान फूकी थी। नहीं, तुझे इस बारे में कैसे पता? कोबरा, तुम तो सब जानते हो लाल कोबरा को बनाने के पीछे मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरा ये डिसीजन गलत होता है तो तुम हमें बचा लेना। मैंने लाल कोबरा के ऊपर रिसर्च किया है, उससे मुझे एक बात पता चली है कि उसका जन्म जहाँ होगा उसका अंत भी वही होगा। अगर उसे मारना हो तो उसे यहाँ लेकर आना होगा। कोबरा, तुझे सब पहले से ही पता था, इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा नहीं कोबरा, इसे कहते हैं अकल का इस्तेमाल करना। जो तूने नहीं किया तो अब मुझे माफ करना। मौत एक सच्चाई है, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने कमाई है। वक्त से पहले मौत सिर्फ तुम्हारे बुरे काम की वजह से आई है। पर एक और बात कोबरा, ये मौत उसके लिए काफी नहीं होगी। उसके पास बहुत से वरदान है, अगर वो चाहे तो फिर से वापसी कर सकता है। तो मैं तुमसे निवेदन करूंगा, तुम हमारी रक्षा तब भी करना कोबरा। और एक बात यार गाइस, आपके भाई ने एक व्लॉगिंग का चैनल भी चालू किया है, तो जाकर उसको भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और चैनल आपको मेन चैनल के नीचे मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे थोड़ा सा प्यार दिखा दो और चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मज़ा आ जाएगा यार गाइस।